कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और यहाँ मैं दोपहर से वीडियो स्टार्ट कर दिया। दोपहर का है वक्त, 12:30 बजे थे। काम हम सारा समेटा, उसके बाद यहाँ पे मैं पालक, सरसों और बथुआ, मेथी ये सारा लेके बैठी थी। साफ किया, बहुत टाइम लग गया था। फिर अच्छे साफ करने के बाद धुला 3-4 पानी में। उसके बाद ये धुल के जाली वाली थाली में रख लिया था। उसमें इसके नीचे थाली रख ली थी क्योंकि पानी आने निकलेगा, इसलिए कमरे में ही काट रही थी बैठ के। तो ये चाकू से पहले काटूंगी। थोड़ा बड़ा ही काटा था क्योंकि वॉयल होगा तो उसमें हो जाएगा, अलियन अलियन लगाऊंगी। तो आज पहली बार मैं बना रही सर्दियों में साग। बनाया तो पिछले साल कई बार बनाया मैंने, अभी बता रही हूँ। यहाँ पे मैंने तड़का के लिए ले लिया टमाटर 2 और मिर्ची, लहसुन, काफ़ी लहसुन लिया था, ये कूट के डाल दूंगी। और उसमें मैंने क्या किया, उसमें चावल डाले थे। चावल डाल के एक बार ज़रूर बनाना, बहुत अच्छा बनता है। ये थोड़ा मैं इसी में डालूंगी, ये कूट के लहसुन और ये मिर्ची कूट ली है। इसमें नमक डाल के और एक गिलास, बड़ा था गिलास, उसे मैं एक, क्योंकि पानी भी निकलेगा इससे छूटेगा काफ़ी, और तड़का बाद में लगाऊंगी। ये बन गया है, 3 सीटी दी इसमें और अच्छे से पहले मथानी थोड़ा चला दूंगी, घोट दूंगी इसे। उसके बाद ये था बाजरे का आटा, मैं लेके आई थी 1 किलो था, क्योंकि आटा इसलिए लेके आई थी, अलियन लगाऊंगी। और मुझे बाजरा की रोटी अच्छी लगती है, मुझे और मेरे बेटे को, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी नहीं खाती बिल्कुल भी, छूते भी नहीं है दोनों लोग। मुझे अच्छा लगता दोनों को, मेरे बेटे, हम ही दोनों खाते हैं। और इसमें लस्सी का मैंने तड़का लगाया, इसमें लस्सी का और अलियन दिया है और रख दिया। फिर अच्छे से इसे चलाऊंगी, उसके बाद तब तक ये पकेगा और बाद में तड़का लगाऊंगी इसे, अच्छे से और चला दूंगी। और काफ़ी अच्छा बनता है, मुझे तो अच्छा लगता है। हस्बैंड खा लेते हैं, बोलते इतनी मेहनत में बनाया तुमने, तो खा लेते हैं पर उन्हें अच्छा नहीं लगता इतना। ना मेरी बेटी खाती साग ना बाजरे की रोटी, हम दोनों खाते हैं। पर बहुत टाइम में पता है 3:30 बज गए थे, खाना खा बना उसके बाद खाने गए, 4 बज गए थे, खा के उठी 4 बज गए शाम के। फिर रात में एक आध रोटी खाई, रोटी फिर भूख नहीं लगी थी क्योंकि शाम को कोई खाने का टाइम तो है नहीं। उसके बाद बर्तन वर्तन साफ किए, फिर नमकीन रात में चावल बना लिए थे मैंने। पर इधर बन रहा था इधर रोटी, तो जब तक बना लूँगी उसके बाद फिर तड़का लगा दूँगी। उसमें प्याज, टमाटर, लहसुन ये सारा डाला था, अच्छा बहुत अच्छा बना था। और रोटी तो मुझे बनानी आती नहीं, पर धीमी आँच में मैंने अच्छे से सेक ली, जैसी भी सेक पाई बना ली, अपने लिए तो बना के खा लूँगी। और यहाँ पे मैंने टमाटर, लाल मिर्ची, प्याज और अदरक, लहसुन, हींग ये सारा रख लिया है। उसमें डाल दिया जीरा और प्याज डाल दिया, प्याज थोड़ा हुआ, लाल मिर्ची डाल दी, लाल मिर्ची का तड़का लगाऊँगी, अच्छा लगता है। उसके बाद ये कटा हुआ लहसुन और अदरक था इसमें, ये डाल दिया है। अदरक में लहसुन मैंने काफ़ी डाला था, 2 पूरे मैंने काट लिए थे जो लहसुन के जो होते हैं वो। और उसके बाद चला दिया मसाला, थोड़ा टमाटर हो गए, उसके बाद मसाले डाल दिए थे। क्या डाला इसमें, धनिया थोड़ी और इसमें थोड़ा सब्जी मसाला और कुछ नहीं डाला था, नमक और लाल मिर्ची, और इतने में टेस्ट बन आ गया था। और हींग मैंने बाद में डाली क्योंकि प्याज के साथ हींग डालती है तो खुशबू नहीं आती, तेल अच्छे से अलग हो गया, उसके बाद मैं डाल दूंगी। इसमें नहीं आ रहा था तो मैंने क्या किया, कुकर में ही वापस से पलट दिया इसे। मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर दूँ जो बनाया है वो, और लगा ली है थाली। मेरी बेटी तो खाती नहीं, मेरी बेटी ने तड़का लगाया फिर ले गया, वो तो खा के फुर्सत हो गया। मैंने रोटी बनाई पूरी तो ये टाइम लग गया था, ये बन के हो गई तैयार। आप लोग भी आ जाइए गरम गरम, खा लीजिए, घी डाला, काफ़ी अच्छा लगा खाने में, मज़ा आ गया। हो गया खाना बन के तैयार, रोटी भी बना ली। बर्तन देखो कितने हो गए, बहुत ज़्यादा हुए बर्तन। और यहाँ पे लगा ली 2 थाली, मेरा बेटा तो खा गया और मैं रोटी बनाती रही। एक घी इसमें डाला और ये मेरी बेटी नहीं खाती साल, लेकिन थोड़ी सी कटोरी मैंने दे दी, जितना खाएगी खा लेगी। और ये रख ली रोटी बादशाह की, आप लोग भी आ जाइए, किसे किसे खानी है, मन हो रहा जल्दी फटाफट खाऊं क्योंकि भूख लगी बहुत तेज, जल्दी से खा लूं। और यहाँ पे है लस्सी, इतनी बच गई तो ये खा लूँगी इसी के साथ, पी लूँगी। तो चलिए मिलूँगी बाद में, बर्तन धुलूँगी और किचन भी साफ करनी है, पूरी गंदी पड़ी है। तो चलिए खाना खाने के बाद मिलूँगी आप लोगों से।
खाना ना खाया, 4 बज गए थे। उसके बाद मैंने सारे बर्तन जो थे, इतने बर्तन हो गए थे बहुत ज़्यादा, और बर्तन धुलूंगी रोटी की भी, क्योंकि रोटी अभी रखी हुई है, बाजरे की भी, गेहूं की भी, 2-3 रोटी रखी, 2 गेहूं की हैं और 3 बाजरे की, 5 रखी, जिससे खाना होगा खा लेगा। तो रात में चावल बनाऊंगी, तहरी नमकीन चावल, क्योंकि मटर रखी है तो नमकीन चावल बना दूंगी, और हम और रोटी रखी है, हम और हमारा बेटा दोनों खाएंगे बाजरे की रोटी साग से। ये दोनों लोगों के लिए बना दूंगी नमकीन चावल, इसलिए रोटी वोटी बर्तन गैस है सारा साफ कर दिया मैंने, क्लीन पूरा, क्योंकि बिखर गई थी। तो हो गई शाम, शाम क्या 3:30 तो चभी बज गए थे जब आज खाना ना बनाया था, खाना खाया 3:30 बजे, ज़्यादा ही हो गया था क्योंकि साग में टाइम लग गया था, फिर वो बाजरे की रोटी बनाई तो उसमें काफ़ी टाइम लग गया। बर्तन वर्तन पूरे क्लीन किए, अब बजे हैं 4:15, सिर्फ बर्तन धुले और झाड़ू लगाई कमरे में, जो सामान था वो सेट किया, वीडियो नहीं बनाया, और उसके बाद छोटी रोटी बना ली, झूड़ा लगा था, थोड़ी तैयार वैयार हो गई, ब्रश बना रखा था सुबह से। तो अब बनाऊंगी चाय, टाइम हो गया चाय बनाने का, क्योंकि चाय पीऊँगी, ठंड है बहुत तेज, मेरी बेटी फिर से तबीयत खराब सी हो गई उसकी, बुखार है, क्योंकि स्वेटर में कोई पहनता नहीं, ऐसे घूमेगा तबीयत खराब तो हो ही जाएगी। लेटा है और दूध मंगाया है अभी, मैंने सोचा वीडियो भी थोड़ा और बना लूँ, फिर यहीं पे एंड कर दूँगी, खाना नहीं बनाऊँगी। दूध नहीं मिला क्यों? कोई नहीं, तो वहाँ से लेके आ जा, थैली का लेके आ जा, ये दुकान से ले लो, वो उसकी तबीयत सही नहीं है, दुकान से ले लो जा। कितने का आएगा जाना? ठीक है, हाँ यहीं से ले लो, पास से दुकान से। दूध नहीं मिला, इधर दुकान बंद है, और मैं तो देरी का मंगाती हूँ, तो आ गई, इतना दिमाग नहीं है कि दूध नहीं, दुकान चलो इधर बंद है, वहाँ गई, उधर भी नहीं मिला उसे, तेरी दुकान से ले ले, इतनी पागल है, दूध तो जरूरी है, बिना दूध के चाय कैसे बनेगी। तो बना लूँगी चाय और फिर यहीं पे वीडियो का एंड कर दूँगी, और आज खाना बनाया था लेट, खाना हम लोगों ने लेट खाया भी, तो रोटी अभी बाजरे की रखी है, थोड़ी गेहूँ की भी रखी, और नमकीन मटर रखी है थोड़ी, मटर के वो नमकीन चावल बनाऊँगी मटर डाल के, क्योंकि मेरी लड़की ने खाना ठीक से नहीं खाया, बाजरे की रोटी आधी भी नहीं खाई उसने, और साग ऐसी रखा रहा कटोरी में, मैंने छोटी कटोरी थी भर के दे दी थी, मैं बोली घी डाल के खा ले अच्छा लगेगा, रूखा खा ले, लेकिन नहीं खाया उसने। कोई नहीं, मैं बना दूँगी चावल, तो फिर चाय बनाने के बाद फिर वीडियो का एंड कर दूँगी, बड़ा भी हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैंने सोचा चलो चाय में पहले सामान। बर्तन एक मिनट तो पड़ा ही रहेगा, चाय बोलू बाद में, अब देखूंगी ये पड़ा ही रहेगा, खाना मैं खरीदा रात में तभी बोलूंगी। अभी यहाँ पे दूध गर्म हो रहा है, हो रहा दूध कैसे रख लो जी, मिला तो अंदर चलूंगी, पीऊंगी चाय, वहीं पे वीडियो का एंड करूंगी। अंधेरा हो गया, देखो अंधेरा हो गया, तो कंबल में उसकी तो तबीयत नहीं है ठीक, इन्हें बुखार है भैया, लेट गए, ये भी लेट गए, पापा जी हैं 4:45 हो गए, अंधेरा भी हो गया, बड़ी लाइट कर दो चालू, और देखो ये कपड़े देर भर रखा है तय करने के लिए, सच में कपड़ों की बड़ी धुली हैं ये, ये स्कूल गए थे तो ये ड्रेसें भी, कोट भी, स्वेटर भी, धुले हुए भी, बिन धुले सब एक साथ है, क्योंकि स्कूल से आके इसी पे पटक देती हैं। अब पी लो चाय, पी बच्चे तो नहीं पीते,
तो चलिए अब वीडियो का यहीं पे एंड करूँगी। अच्छा 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 उठो, 5 बजे सोने का टाइम थोड़ी है। हाँ तो क्या है। चलिए अब यहीं पे वीडियो का एंड करूँगी। उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आया कमेंट करके बताना कैसा लगा। जो भी चैनल पे आते हैं न्यू, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन के साथ, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। फिर मिलूँगी एक अच्छे से नए से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।